हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। तो स्टॉक का प्राइस 51.65 के अराउंड क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में, और स्टॉक ने 2.50% का अराउंड एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। जल्दी से स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ऐसे ही क्विक एनालिसिस के लिए। तो चार्ट पे आप देख रहे होंगे स्टॉक ने अभी 4-5 दिन पहले एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला था वन डे टाइम फ्रेम पे, ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल थी। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 2 सेशन फिर से गिरा और स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया EMA क्रॉसओवर पे, वो सपोर्ट बहुत कारगर रहा। वहाँ से स्टॉक ने एक फिर से मोमेंटम अपवर्ड बनाया, कंसोलिडेशन किया और अब स्टॉक ने कंटिन्यूएशन का मोमेंटम दिखाया है। अब अगर ये कंटिन्यूएशन सस्टेन कर जाता है 51.65 के अराउंड, तो आप देखोगे स्टॉक मोमेंटम बनाएगा 53.70 के अराउंड। वहाँ एक स्टॉक को एक हर्डल ज़रूर फेस होगा, वो हर्डल अगर स्टॉक सस्टेन कर लेता है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, बिकॉज एज इन निफ्टी के चांस ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा है, PSUs भी सारा चार्ट आप पाओगे, PSU का चार्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप देखो कि अगर सब चीज़ें अच्छी चलती हैं तो पंजाब नेशनल बैंक भी एक ब्रेकआउट दे सकता है इन अ वीक अराउंड। तो अगर ये 53.70 सस्टेन कर जाता है इन अ कमिंग वीक्स, तो फिर आप पाओगे स्टॉक के जो टारगेट्स हैं वो 55 और 57 तक ईजिली देखने को मिलेंगे। बात करें मंडे की, तो मंडे को अगर मोमेंटम सारा सही रहा इन ग्रीन, अगर मोमेंटम अच्छा है निफ्टी का, तो आप देखोगे स्टॉक 53 तक के टारगेट्स कल ही दिखा देगा आपको। बाकी एज इन चार्ट सिंपल सा है, चार्ट में कुछ है नहीं, पुरानी ट्रेंड लाइन्स पर स्टॉक मार्क है, वही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक में बस यही है कि मोमेंटम, ये सडन मोमेंटम दे जाते हैं कभी कभी पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद एक ड्रॉप डाउन भी एकदम से देखने को मिलता है। वो इसलिए बिकॉज स्टॉक का प्राइस बहुत कम है, प्राइस कम होने की वजह से थोड़ा मैनिपुलेशन इजी रहता है ऑपरेटर के थ्रू, तो वही एक सिनेरियो बनता है ऐसे चार्ट्स में। बाकी तो सिंपल सा ये सब कुछ, टाइम करना भी ईजी रहता है ऐसे चार्ट्स को। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।